कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। तो आज मैं लेकर आई हूँ जुलाई के सेकंड वीक, जो कि 7 से 14 जुलाई को है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 75 MCQs के लिए। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, और जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर मेंस से रिलेटेड सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वीकली क्या हैं। हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है फेसबुक के साथ समझौता। केंद्रीय और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले चरण में अपने स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त एवं व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ साझेदारी की है। CBSE की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष है मनोज आहूजा। फेसबुक की स्थापना हुई है फरवरी 2004 में और CEO है इसके, एज यू नो, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया के सिनेरियो से। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शेषनाग। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे ने शेषनाग चलाकर 2.1 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है। शेषनाग भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है। अगर भारतीय रेलवे या कि यानी कि इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की किताब लिखी है। ये किताब इस महीने के अंत में रिलीज होगी और इसे हार्पर कार्लिस इंडिया ने प्रकाशित किया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने साइकिलिंग में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये हैं भरत पन्नू। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर तीसरा स्थान हासिल किया है। पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू किया है। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों की मदद करेगा। अगर हम MP की बात करते हैं तो इसकी राजधानी भोपाल है, इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है लालजी टंडन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क MP में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने हाल ही में किस ग्रह के नज़दीक और सबसे बड़े चंद्रमा के फोबोस की तस्वीर भेजी है? तो ये है मंगल। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह हैं जो मंगल के हैं। देख इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है हाल ही में मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है, जिससे के मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरे ने खींचा है। इस तस्वीर में फोबोस पर बहुत ही बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, जिसे स्टिकनी नामक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो ये स्कीम है टॉप्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म है टॉप्स, इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2028 तक भारत को ओलंपिक चैंपियन बनाना है। सरकार इस स्कीम के लिए 10 से 12 साल की प्रतिभाओं की खोज कर उसे अपनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एलिमेंट्स।
डिस्क्रिप्शन है कि जैसे कि जिसके यूज़र गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड इसे कर सकते हैं एप्लीमेंट्स ऐप को, और ये ऐप पहले से ही गूगल प्ले स्टोर पर था लेकिन अब इसे व्यावसायिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। तो ये हम कहेंगे भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एप्लीमेंट्स। भारत के गृह मंत्रालय ने खलिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? तो ये है 40 वेबसाइट। भारत के गृह मंत्रालय ने खलिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सिख फॉर जस्टिस ने समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए अभियान इन्हें चला रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो ये है हमारे ड्वेन द रॉक जॉनसन। ड्वेन द रॉक जॉनसन 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ सबसे महंगे इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटी बन गए हैं, और जो ड्वेन द रॉक जॉनसन की ब्रांडेड पोस्ट करने पर 1.015 की कमाई होती है डॉलर, मतलब कि करीब 7.58 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, और उन्होंने हाल ही में फॉलोवर्स के मामले में काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है? तो ये अभी का लेटेस्ट डाटा है, मतलब कि मैं 8 जुलाई की बात कर रही हूँ, इसके बाद डेटा अपडेट जैसे ही होता रहेगा मैं ऐसे ऐसे आपको न्यूज़ यहाँ पर देती रहूँगी। तो ये आप जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसका करेंट अफेयर ये थोड़ा देख के आप लोग समझ के कीजिएगा। तो भारत ने रूस को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है। वर्ल्ड मीटर के अनुसार रूस में अभी तक 681,251 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका संसद ने हांगकांग में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को पारित किया है? तो ये पारित किया है चीन के खिलाफ। चीन अमेरिकी संसद ने हाल ही में हांगकांग में अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई करने के लिए चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो जैसा कि अगर आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, बलराम योजना उड़ीसा सरकार की है, क्योंकि सुभद्रा कृष्ण और बलराम की जो जगन्नाथपुरी की झांकी है वहीं से निकाली जाती है, तो इसीलिए उड़ीसा सरकार की योजना। इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने पहले चरण में अपने संबंध स्कूलों की इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे करीब 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना है। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1936 को। मैं यहाँ उड़ीसा की बात कर रही हूँ। उड़ीसा की स्थापना और भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मोहम्मद रफीक। लोकसभा में यहाँ 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो महा मतलब महाराष्ट्र, आप ऐसे याद रखेंगे, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है ये जॉब पोर्टल। राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें। नेशनल पार्क हैं बोरीवली नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तबोड़ा नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क और तनसा नेशनल पार्क, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। तो ये जीके के क्वेश्चन में साथ में इसलिए देती हूँ कि मेन जो चीज़ें हैं आपको साथ के साथ अगर आप देखते जाएंगे तो आपको लर्न होती जाएंगी, इसलिए एक एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपको बस देख के सब लर्न हो जाए, प्लस PDF तो प्रोवाइड करवाऊँगी इसका। हाल ही में IFSCA के पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं इंजेती श्रीनिवास। डिस्क्रिप्शन के अनुसार 1983 के बैच के IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को 3 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब IFSCA की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है।
तो मुख्यालय आप लोग याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को इस अभियान के तहत 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है लखनऊ, योगी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीन कॉन्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो हाल ही में नियुक्त होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये हुए हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। जीन कॉन्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा की गई और जीन कॉन्टेक्स ने पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप की जगह ली है जिन्होंने सरकारी फेरबदल से पहले पद से इस्तीफा दे दिया था। फ्रांस की बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, तो राष्ट्रपति भी आप याद रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली ने शुरू किया है। दिल्ली ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन डाइट शुरू की है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल है अनिल बैजल और पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय। लोकसभा की 7 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है? तो ये किया है हमारी पर्यटन नगरी मध्य प्रदेश ने। यह अभियान राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें इनकी जीके की तो इसकी राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल, लोकसभा में 29 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 230 सीटें। नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ते हैं जिसमें से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क इसमें प्रमुख हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष पर OFEK 16 स्पाइस सैटेलाइट लॉन्च की है? तो ये की है इजराइल ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए इजरायली जासूस उपग्रह के बाद सफल पहला परीक्षण है। और ओफेक 16 के बारे में बता दें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सैनिक परीक्षण उपग्रह है जो कि ब्लू एंड व्हाइट तकनीक सहित उन्नत तकनीकों से लैस है जिसका पेलोड रक्षा उपक्रम एल्बिट सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है यरूशलम, मुद्रा है इसकी इजराइल शेकेल, राष्ट्रपति हैं रूबेन रिवलिन और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है यहाँ पर 34th पोजीशन पे। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34 पोजीशन पे है जबकि चीन 32, थाईलैंड 33, इंडोनेशिया 40 और फिलीपींस 44 और वियतनाम 56 स्थान पे रहा है। भारत की 2018 में रैंकिंग 35 थी तो 18 की रैंकिंग की कंपैरिजन में एक स्थान कम हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन है? तो ये हैं हरीश शाह। हरीश शाह का निधन हो गया है जो कि बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं और उनकी मुख्य फिल्में थी काला सोना, मेरे जीवन साथी, राम तेरे कितने नाम, धन दौलत, जलजला, जाल द ट्रैप और अनगिनत फिल्में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन मिशन लक्ष्य रखा है? तो नेट जीरो कार्बन मिशन भारतीय रेलवे का है, पहली बार ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। और ये मिशन कब तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा है? ये है 2030 तक, जिसके लिए अपने दशकों से खाली पड़ी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने की उसने घोषणा की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के जरिए ट्रेनों को सोलर पावर से चलाने की योजना पर भारतीय रेलवे काम कर रहा है।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुद को औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटा लिया है? तो ये काम अमेरिका ने किया था, क्योंकि घोषणा बहुत पहले कर चुके थे लेकिन औपचारिक रूप से अब उसने अपने आप को हटा लिया है। अमेरिका मीडिया के मुताबिक अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा। डेट भी यहाँ आप मेंशन है तो आप याद रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.5 लाख करोड़ के बाजार की हैसियत वाली भारत की कौन सी कंपनी बन गई है? तो एज ऑब्वियस ये पहली कंपनी भारत की बन गई है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसकी जो कीमत है या हैसियत है 11.5 लाख करोड़ है, भारत की पहली कंपनी बन गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस वर्ष जून में 11 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि हासिल की है। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से कितने चीनी ऐप हटा दिए हैं? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं 4500 गेम्स ऐप। एप्पल ने इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल स्टोर से 4500 गेम्स ऐप हटा दिए हैं। चीनी सरकार द्वारा 1 जुलाई से जारी की गई इंटरनेट पॉलिसी के तहत एप्पल को अपने चीनी ऐप स्टोर से 4500 से ज़्यादा गेम्स हटाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो अगर आप लोगों को पता हो रीवा कहाँ पड़ता है तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने नंतास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमयी आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया था? तो ये किया है ईरान देश ने। ईरान ने नंतास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रहस्यमय आग के कारण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, जिससे एक कारखाने को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय परिषद ने कहा है कि आग के कारण का पता लगाया जा चुका है और उचित समय पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया गया है? तो ये लाए हैं कुवैत देश ने, कुवैत सरकार ने। कुवैत देश ने विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया है और इसके मंजूर होने के बाद 8 लाख भारतीयों को वापस आना पड़ेगा। अप्रवासी कोटा विधेयक में खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में यहाँ कटौती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका देश में से किस देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो ये है बोत्सवाना देश। पूरे अफ्रीका में सबसे अधिक हाथी बोत्सवाना में ही हैं और वर्ष 2014 में इस देश को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। बॉलीवुड की वेटरन कॉमेडियन जिसने शोले फिल्म में अभिनय किया था, उनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वह कौन है? तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि जगदीप जिसने सूरमा भोपाली का रोल किया था, उनका निधन हो गया है। जगदीप बॉलीवुड की वेटरन कॉमेडियन जिसने शोले फिल्म में अभिनय किया था और जगदीप का उनका निधन हो गया है और उनके निधन पर सबने शोक व्यक्त किया है। जगदीप उर्फ सूरमा भोपाली जिन्हें कहा जाता है, अमिताभ बच्चन के साथ शोले और सहनशाह समेत कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारतीय यूजर के लिए टिकटॉक जैसे फीचर रील्स लॉन्च किया है? तो ये किया है इंस्टाग्राम ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारतीय यूजर के लिए टिकटॉक जैसे फीचर्स रील्स को लॉन्च किया है। रील्स है जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की तरह काम करता है, जिसके यूजर ऑडियो फाइल्स या म्यूजिक ट्रैक के साथ 15 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो ज़रूर इसको डाउनलोड करके वीडियो बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में हाल ही में कितने ऐप को बैन कर दिया है? तो भारतीय सेना ने 89 ऐप को बैन कर दिया है और इंडियन ने जो केंद्र सरकार थी उसने 59 ऐप को बैन कर दिया था। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्मार्टफोन से ऐप हटाने का आदेश दिया गया है। बैन किए गए टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैनर, फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर और इंस्टाग्राम जैसे चाइनीज ऐप शामिल हैं जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स में किस मुख्य कोच को 25 वर्ष की उम्र से अधिक होने पर पद से हटना पड़ा है? तो वो है हमारे बहादुर सिंह।
चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारतीय एथलीट के मुख्य कोच जो बहादुर सिंह है उन्हें 25 वर्ष की उम्र से अधिक होने पर पद से हटना पड़ा है। साथ ही भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे साई कहा जाता है के साथ उनका अनुबंध भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की घोषणा की है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा। तो ये है असम सरकार। ये वन्यजीव अभयारण्य असम में क्षेत्रफल 1,011.942 वर्ग किलोमीटर में है। अपग्रेड होने के बाद ये अभयारण्य असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट के कितने साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया है? तो ये हुआ है 143 ईयर्स बाद। कोरोना के कारण 143 साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 8 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला जा रहा है। लगभग 4 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शुरू हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री एमादो गोन कुलीबली का हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हमारे हैं आइवरी कोस्ट के। फ्रांस में 2 महीने तक इलाज चलने के बाद हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोल कुलीबली का हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये आइवरी कोस्ट के सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टीमीडिया ऑपरेटर्स निम्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो ये है नेपाल। नेपाल के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है और सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दी गई है? तो ये है गोल्डन बर्ड विंग तितली। हिमालय की हाल ही में गोल्डन बर्ड विंग तितली को 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। गोल्डन बर्ड विंग का वैज्ञानिक नाम ड्राइडस आइकस है। इस तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इमवांस ने 1932 में खोजा था। इस प्रजाति की पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है और इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्डविन दक्षिण बर्डविन 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव और श्रीलंका ये दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्होंने खसरा और चेचक को समाप्त कर दिया है। खसरा एक गंभीर बीमारी है जिससे दाने होते हैं और बुखार आता है और चेचक बीमारी से गर्भवती स्त्री के घर में पल रहे बच्चा अंधा बहरा और मंदबुद्धि पैदा होता है। मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसे दो पहले देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक खतरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है। अगर हम इन दोनों कंट्रीज की सेपरेट बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे और मुद्रा है श्रीलंकन रुपया। राष्ट्रपति है गोतबाय राजपक्षे और प्रधानमंत्री है यहाँ के महिंद्रा राजपक्षे। मालदीव की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो राजधानी है माले, मुद्रा है लिए। मालदीव के राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री है लिए मालदीव रूफिया, इसकी मुद्रा है और यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहिन मोहम्मद सोलीह। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7,008 करोड़ रुपये है, तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7,008 करोड़ रुपए रहा। साथ ही TCS ने 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने
कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। तो ये दिया है हमारे केंद्र सरकार ने, जिससे फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और मध्यम लंबी अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो कल मनाया गया वो था विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 11 जुलाई को विश्व भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं और वैश्विक चेतना जागृत करना है। सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के जी आकाश देश के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं तमिलनाडु राज्य के जी आकाश, जिनकी FIDE रेटिंग 2495 है, वे देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष सितंबर में होने वाले एशिया कप को अब जून 2021 में किस देश में आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। अब जो एशिया कप है वो 2021 में श्रीलंका में आयोजित होगा, जिसकी पुष्टि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC ने की है, जबकि 2022 में टूर्नामेंट PCB कराएगा। ऐसे में लगातार 2 साल यह एशिया कप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का किसका इस्तीफा मंजूर किया है? तो ये किया है राहुल जोहरी का इस्तीफा मंजूर। BCCI ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO राहुल जोहरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जबकि जोहरी ने 27 दिसंबर को भी पद से इस्तीफा दिया था, पर उसे नामंजूर उस समय कर लिया गया था। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक राहुल जोहरी पर गोपनीय जानकारी मीडिया को लीक करने का आरोप लगाने का शक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष इनमें से किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं हमारे मोहम्मद मुश्ताक अहमद। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है, जिसे हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर कर लिया है। अब नए अध्यक्ष के चुनाव होने तक ज्ञानेंद्रो निगोमबाम को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है अमेरिका ने। यूरोपीय देशों के बाद अमेरिका ने भी पायलटों के फर्जी लाइसेंस और सुरक्षा उपायों में कमी को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है, जबकि EASA ने पाकिस्तान सरकार की विमानन कंपनी पर 6 महीने के लिए रोक लगा रखी। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, और ये किस राज्य में है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का नादौन जो पुलिस स्टेशन है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन इंडिया में चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी शिमला है, इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में 68 सीटें हैं। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, लाचा आएगा यहाँ पे बड़ा लाचा दर्रा, ये प्रमुख दर्रे हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट इंडियन नेशनल पार्क, रोहिल्ला नेशनल पार्क, किरण गंगा नेशनल पार्क, सिमलबरा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सीकरी देवी नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका रीलॉन्च हुआ है गूगल करेंट नाम से। गूगल करेंट अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। हालांकि गूगल का ये ऐप दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइजेस कस्टमर ही कर सकते हैं। अगर हम गूगल की यहाँ बात करें तो ये एक तरह का सर्च इंजन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है। संस्थापक संगेई ब्रिन
और लैरी पेज हैं, और इस समय इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो इंडियन मूल के हैं, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने अपनी किस बिल्डिंग को 2020 का ईयू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड दिया है? तो ये दिया गया है लुसाने में। लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक देश है। ओलंपिक हाउस, जिसके पास सबसे दुर्गम लीड प्लैटिनम प्रमाण भी है, दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। आईओसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया है ब्रिटेन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइटल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्क्वैश खिलाड़ी रानेश वल एल वेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो ये है मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी। मिस्र की 31 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेल्ली ने संन्यास लेने की घोषणा की और विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर काबिज रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वेक्षण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो ये किया गया था, आप लोग को याद होगा, जैसे कि 2018 में एक सर्वेक्षण बाघों पर किया गया था जिसमें बाघों की संख्या दुगनी हो गई बताई गई थी, और ये सर्वेक्षण में अब इस सर्वेक्षण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिल गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे साबित हुआ है, आज तक जितने भी सर्वे हुए सबसे बड़ा सर्वे ये हुआ है। ये 121,337 वर्ग किलोमीटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से किस राज्य ने सभी यूनिवर्सिटी की आगामी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिए हैं। इसमें सभी आगामी सेमेस्टर टर्मिनल फाइनल एग्ज़ाम सब शामिल यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 15 जुलाई 2020 को। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, तो भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस वर्ष के शुरू में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था, बट अब हो रहा है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिससे नए व्यापारिक विचारों का पोषण किया जा सके। कैबिनेट के इस फैसले से भारत के शीर्ष 3 स्टार्टअप अनुकूलन राज्यों से बराबरी करने के अपने लक्ष्य को ये पूरा कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने तक के बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 5 महीने तक बढ़ाने को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब ये योजना जुलाई से नवंबर 2020 में लागू होगी और इस योजना के माध्यम से 5 महीनों में 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है जापान ने। जापान ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट को बनाने की घोषणा की है, जो कि 2 इंजन वाले होंगे और अगले कुछ वर्षों में तैयार हो जाएंगे। साथ ही हाल ही में अमेरिका और जापान के बीच F-35 फाइटर जेट की भी डील हुई है। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लाई मैपिंग को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रवाह में सुधार करना है।
अगर हम एआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धि। ये कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसान की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जा सकती है। केंद्रीय कौशल और विकास उद्यमिता मंत्री जो हमारे हैं वो है महेंद्र नाथ पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और यूरोपीय संघ के बीच। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय हॉकी संघ, ये जो भारत में हॉकी खेल होते हैं इनको ये रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। और पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं हमारे ग्राहम रीड, और महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं वो है शॉर्ड मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की है? तो ये हमारी की है बोइंग ने। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ 22 नए AH-64E अपाचे और CH-47F1 चीनू के भारी भरकम हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया। अगर हम बोइंग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 में, जिसका मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है, और इसके MD और CEO हैं डेविड एल चलहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है तेंजिंग गेओ टेनथांग। दलाई लामा की जीवनी पर लिखी हिज लोनीलेस द 14th दलाई लामा द इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा, और इस पुस्तक को रोली बुक्स ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत की सेना ने। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। यूनिफिल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल। इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1978 को, और मुख्यालय है नकोरा लेबनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत हाल ही में अमेरिका नौसेना में किस मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रख रच दिया है? तो ये है अफ्रीका मूल की। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में अफ्रीका मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला बनकर पायलट, महिला जो है पायलट बनी है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। और लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल को इस महीने के आखिरी तक फ्लाइट अधिकारी का बैच मिलेगा, जिसे विंग ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है सेबी ने। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ने हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनिमयन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली सहकारी समिति का पुनर्गठन किया है। और इस 20 सदस्यीय सलाहकार समिति का प्रमुख उषा थोराट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का कौन सा राज्य सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है, जिसका अर्थ बुनकर सम्मान योजना है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के मुताबिक
कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर पंजीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।